नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कैन सुपरवाइज़र और एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर 100 प्रश्नों को रखा गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, वह फसल जिसमें दलहनी व तिलहनी दोनों रूपों में उगाई जाती है, ठीक है, ऐसी फसल बताना है जो दलहनी और तिलहनी दोनों रूपों में उगाई जाती हो, सोयाबीन, उड़द, चावला या अलसी। तो एकमात्र ऐसी फसल है सोयाबीन। सोयाबीन को हम दलहनी में भी उगा सकते हैं और तिलहनी में भी उगा सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित यानी कि मिलवा खेती होती है, चना और सरसों, सरसों और गेहूं, सरसों और जौ, मूंगफली और तिल। तो आपको बताना राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी मिश्रित फसलें बोई जाती हैं एक साथ मिक्स कर कर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, चना और सरसों को बोया जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, सर्वाधिक हरित खाद वाली फसल कौन सी है। तो सर्वाधिक हरित खाद वाली जो फसल है, रिजका, सनई, ढैंचा, बरसीम, चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ढैंचा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, जमाव बिंदु से ऊपर अपेक्षित कम तापमान के द्वारा क्षति को क्या कहते हैं, जमा बिंदु क्षति, यांत्रिक क्षति, निर्जलीकरण क्षति या अतिशीत क्षति। तो जमाव बिंदु से ऊपर अपेक्षित कम तापमान के द्वारा जो क्षति होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं जमा बिंदु क्षति के नाम से, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, मृदा में आंतरिक संतुलित पोषण प्रदान करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, मृदा उत्पादकता, मृदा उर्वरकता या उर्वरकता सूचकांक या उत्पादकता सूचकांक। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा उर्वरकता, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में नत्रजन की मात्रा बताना है कितनी पाई जाती है, 0.5%, 1%, 1.5% या 2%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, वो हो जाएगा 0.5% पाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सिंचाई के पानी का लवणीकरण होने पर हम फसल की खेती करना चाहेंगे, जौ, चना या मटर या गेहूँ। अगर सिंचाई का पानी वहाँ पर लवणीय हो तो वहाँ पर कौन सी खेती करने के लिए अच्छी मानी जाएगी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जौ। जौ जो फसल है ये अधिक लवणीय को सहन करने की क्षमता रखती है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सभी मौसमों में उगने वाले फूल कौन से हैं, गेंदा या कॉर्नफ्लावर, गुलदावरी या कैंडल फट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेंदा जो है ये सभी मौसम में उगाया जाता है, चाहे सर्दी हो, बरसात हो या गर्मी, सभी मौसमों में आपको देखने को गेंदे के फूल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, फल सब्जी कौन सी है, आलू, शकरकंद, टमाटर और मूली। तो फल और सब्जी दोनों बताना है कौन सी है, किस सब्जी को ऐसा कहा जाता है, फल भी कहा जाता है, सब्जी भी कहा जाता है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर को कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इनमें से कौन सा वृद्धि प्रवर्तक नहीं है, वृद्धि कारक हार्मोन इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, साइटोकाइनिन, एस्बेसिक एसिड, ऑक्जीन या जिब्रेलिन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एब्सेसिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे,
कौन सा शुष्क जलवायु का फल नहीं है? नहीं पूछा है शुष्क जलवायु का फल कौन सा इसमें से नहीं है, खजूर, केला, अनार या बैर। तो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि बैर और अनार और खजूर ये तीनों ही शुष्क जलवायु के फल हैं, लेकिन केला जो है ये शुष्क जलवायु का फल नहीं है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। खजूर का प्रसारण होता है बीज द्वारा, परकंद द्वारा, कलिकाएं द्वारा या अंतःभूस्तारी द्वारा। तो खजूर का यहाँ पर प्रसारण पूछा है, प्रोपोगेशन किसके माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अंतःभूस्तारी द्वारा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बगीचे में पानी की कमी होने पर सबसे भयानक सिंचाई का तरीका है, ठीक है, आपको बताना है लाभदायक सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, बूंद बूंद पद्धति, फुहारा पद्धति या अल्पावन विधि या वल्य विधि। तो बगीचे में पानी की कमी अगर हो जा रही है तो सबसे लाभदायक सिंचाई कौन सी मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे अच्छी सिंचाई मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। अंगूर में बीज रहिता का कारण क्या है? सीडलेस होने का क्या कारण है अंगूर में, ये आपको बताना है। अनिषेक फलन या भ्रूण नष्ट होना या बहुगुणता या परागण का नष्ट होना। तो परागण का नष्ट होना ये तो होगा नहीं, भ्रूण का नष्ट, बहुगुणता ये तो होंगे नहीं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनिषेक फलन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। स्नोबॉल 16 किस्म बताना है किसकी है? फूल गोभी की है, पत्ता गोभी की, आलू की या टमाटर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है स्नोबॉल 16, तो राइट आंसर हो जाएगा ये फूल गोभी की वेराइटी है स्नोबॉल 16, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। लाख के कीट को पालने वाला मुख्य पौधा कौन सा है? जिस पर हम लाख के कीट पालते हों वो प्लांट बताना, वो पौधा बताना है किस पर हम लाख के कीट को आसानी से पाल सकते हैं। चलिए चारों ऑप्शन देख लिया जाए, चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है पलास, दूसरा खेजड़ी, तीसरा बबूल, चौथा है सहतूत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पलास। पलास के पौधे पर हम लाख के कीट को पालते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। गेहूँ का आवृत कंडुआ रोग है, अंतःबिजोड़ है, वातोड़ है, मृदोड़ है या वाह बिजोड़ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतः बिजोड़ है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। चूर्णित आसिता बीमारी उत्पन्न होती है विषाणु से, जीवाणु से, सूत्रकृमि से, कवक से। तो चूर्णित आसिता बीमारी जो फैलती है ये होती है कवक के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। टमाटर के पत्ते सिकुड़न रोग का कारक क्या है? विषाणु, जीवाणु, कवक या माइकोप्लाज्मा। तो टमाटर की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो इसका प्रमुख कारण होता है वायरस डिजीज़ के कारण होता है, विषाणु द्वारा होता है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 20। चूर्णित आसिता रोग के लिए सबसे उपयुक्त कवकनाशी कौन सा है? कैप्टान, डाइथेन, Z78, बॉस्टीन या कैराथेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैराथेन जो है ये सबसे अच्छा कवकनाशी है चूर्णित आसिता के लिए, कैराथेन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। खेत के प्रकार को प्रभावित करने वाली कौन सी भौतिक संरचना नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, स्थलाकृति, मौसम, मजदूर उपलब्धता या मृदा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजदूर उपलब्धता, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह भौतिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा कृषि व्यवसाय का भाग नहीं है? भाग नहीं पूछा है, पूंजी, वातावरण, भूमि या प्रबंधन।
तो कृषि व्यवसाय का कौन सा भाग इसमें से नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वातावरण, यह कृषि व्यवसाय का भाग नहीं है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, प्रति क्विंटल लागत गणना को कहते हैं, क्या कहा जाता है प्रति क्विंटल लागत गणना को? खेती की लागत, कास्त की लागत, उत्पादन की लागत या कुल लागत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन की लागत, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता मिलती है, राज्य सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, कृषि विश्वविद्यालय अनुदान सहयोग से, या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके द्वारा 100% सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25, 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, कृषकों को किसी विशिष्ट जगह के लिए प्रस्तावित तकनीक से प्रभावित करने के लिए प्रभावी प्रसार विधि बताना है, ठीक है? प्रभावी प्रसार विधि कौन सी है? दूरदर्शन, रेडियो, प्रदर्शन या पंपलेट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा प्रदर्शन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, इनमें से कौन सी सामूहिक प्रसारण की विधि नहीं है? सामूहिक प्रसारण की विधि दोस्तों पूछ रहा है, इसमें से कौन सी नहीं है? कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय प्रदर्शन, खेत और गृह भ्रमण या खेतों का भ्रमण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, खेत एवं गृह भ्रमण, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, बीजांकुरों का आर्द्र गलन रोग मुख्यतः होता है, तो आपको बताना है बीजांकुरों का आर्द्र गलन रोग किसके द्वारा होता है, किस प्रजाति के द्वारा होता है? होता तो ये फंगस के द्वारा, लेकिन फंगस की कौन सी प्रजाति के द्वारा होता है ये आपको बताना है। म्यूकर प्रजातियों द्वारा, पक्सीनिया प्रजातियों द्वारा, या पीथियम प्रजातियों द्वारा, या अष्टिलोगो प्रजातियों द्वारा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीथियम प्रजातियों द्वारा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आलू का पछेती अगमारी रोग यानी कि झुलसा रोग जिसको कहते हैं, किसके द्वारा होता है? तो पछेती पूछ रहा है, दो प्रकार के इसमें झुलसा रोग लगता है आलू में, एक पछेती एक अगेती। तो अगर यहाँ पर पछेती पूछा है तो हम याद रखेंगे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर यहाँ पर अगेती पूछता तो हम अल्टरनेरिया सोलेनाई के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर अगेती पूछता तो हम किसके साथ जाएंगे? अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, बैगन की जड़ गांठ रोग होता है, बैगन का जो जड़ गांठ रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है, सूत्रकृमि या विषाणुओं द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर, सूत्रकृमियों द्वारा होता है बैगन का जड़ गांठ रोग, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, निम्नलिखित में से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन सा है, क्या बताना है? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर दीजिए। बोरान है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर पूछा था सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन सा है, NPK तो होगा नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में मैग्नीशियम दिया है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, तो यहाँ पर बोरान जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, पादप प्रजनक के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को क्या कहते हैं? प्रजनक बीज, नाभिकीय बीज, प्रमाणित बीज या पंजीकृत बीज? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बीज कहते हैं, ठीक है। पादप प्रजनक के द्वारा जो उत्पन्न होता है बीज प्रारंभ वाला, उसको हम नाभिकीय बीज कहते हैं, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत में प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है प्रजनक बीज से, नाभिकीय बीज से, पंजीकृत बीज से या आधार बीज से? तो भारत में जो प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है वो किससे उत्पन्न किया जाता है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पन्न किए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? 8.5, 9.5, 10.5 या 11.5। तो यहाँ पर लवणीय मृदा का पीएच पूछ रहा है, तो इसका पीएच मान होता है 8.5। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, सोडियम मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है, ठीक है, सोडियम मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है बोरान मिलाकर, कैल्शियम मिलाकर, या फास्फोरस मिलाकर, या सोडियम मिलाकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो सोडियम मृदा को क्या डालकर उपजाऊ बना सकते हैं? तो कैल्शियम मिलाकर और भी अधिक उपजाऊ उसको बना सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 35 पर, 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बी संक्रमण के लिए निम्न में से साधारणतः कौन सी चीज़ काम में लेते हैं? आसुत जल, आयोडीन का टीचर, या सोडियम क्लोराइड, या आयोडेक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का टीचर, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहा जाता है, ठीक है, जैसे गाय बच्चे को जन्म देती है उसका जो प्रथम दूध होता है, फर्स्ट टाइम निकलता है, उस दूध को हम किस नाम से जानते हैं? टॉड मिल्क, या मक्खन दूध, या कोलेस्ट्रम, या पनीर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, जिसको खीस कहा जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, निम्नलिखित में से युवा बछड़ा या बछड़ी का रोग कौन सा है? चाहे बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, अगर युवा हो गया है तो उसमें कौन सा रोग लगता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, 38 नंबर आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आसानी से आप लोग दे पाएंगे। IVLP का पूरा नाम पूछा है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है IVLP। तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम पूरा होता है यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे, यही इसका पूरा नाम होता है, आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, निम्न में से कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है? यहाँ पर ट्रेनिंग संस्थान की बात कर रहा है, ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे क्वेश्चन, कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है? आत्मा, KVK, या DRDA ICR। तो ट्रेनिंग संस्थान जो है वो है KVK, कृषि विज्ञान केंद्र, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, थन का सूजन कहलाती है मेट्राइटिस, या मेस्टाइटिस, या ओटाइटिस, या गैस्ट्राइटिस। तो राइट आंसर हो जाएगा मेस्टाइटिस, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है 1 से 2 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में, या 5 वर्ष से अधिक उम्र में बछड़ी कब प्रजनन योग्य हो जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 वर्ष में प्रजनन योग्य हो जाती है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल है, दुधारू पशुओं की नस्ल बताना है, हरियाणी, नागौरी, साहिवाल, या मेवाती। नागौरी की बात करें तो ये भारवाही नस्ल है, हरियाणा की बात करें द्विकाजी है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा साहिवाल, साहिवाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, गाय के पाली में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भधान हेतु उपयुक्त समय होता है, तो गाय जो है जब हीट पीरियड में आती है तो कृत्रिम गर्भधान के लिए उपयुक्त समय बताना है, कितने समय पर उसको सीमन वगैरह चढ़ा देना चाहिए, 8 से 10 घंटे के पश्चात, 12 से 18 घंटे के पश्चात, या 20 से 30 घंटे के पश्चात, या 30 से 36 घंटे के पश्चात। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 12 से लेकर 18 घंटे के पश्चात कृत्रिम गर्भधान द्वारा इसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर
सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या आर्गन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नाइट्रोजन। ठीक है, वीर्य संग्रहण हेतु नाइट्रोजन गैस के अंदर रखते हैं। नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको याद होना चाहिए नाइट्रोजन गैस का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है साइलेज निर्माण की विधि है, चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण, दलहन फसलों का परिरक्षण, घासों का परिरक्षण या दालों का परिरक्षण। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइलेज निर्माण की विधि में चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, हे मेकिंग एक विधि है चावल के परिरक्षण की, घासों के परिरक्षण की, चारे के परिरक्षण की या दालों के परिरक्षण की। तो हे मेकिंग जो है एक प्रकार से चारे की परिरक्षण की विधि है। ठीक है, हे बनाने के लिए सबसे अच्छी जो घास है वो बरसीम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक हो उससे हम हे बनाते हैं, और जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जिस चारे में या जिस फसल में उसमें हम क्या बनाते हैं, साइलेज बनाते हैं। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छा जो चारा माना गया है वो मक्का माना गया है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में रहता है, और हे बनाने के लिए बरसीम, क्योंकि उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में रहती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, पाइका रोग होता है विटामिन की कमी से, खनिज की कमी से, प्रोटीन की कमी से या क्रूड रेशो की कमी से। तो पाइका एक डिजीज है, तो ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है खनिजों की कमी से। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंगा 5 संकर किस्म है, ज्वार की है, गेहूं की है, कपास की है या मक्का की है। तो गंगा 5 जो है किस्म है ये मक्का की वेराइटी है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, ग्रास टिटेनी रोग का कारण है क्या, मैग्नीशियम की कमी, सल्फर की कमी या कैल्शियम की कमी या क्रूड रेशे की कमी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 का, वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मैग्नीशियम की कमी के कारण ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, मूंगफली की खली पशुधन हेतु एक उत्तम स्रोत है, खनिजों का, विटामिन का, प्रोटीन का या वसा का। तो मूंगफली की खली जो होती है पशुओं को क्यों खिलाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, साधारण नमक के उपचार द्वारा, यूरिया के उपचार द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा या DAP के उपचार के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा यूरिया के उपचार के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया के उपचार के द्वारा हम सूखे चारे की गुणवत्ता हम सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52, भैंस के संतुलित आहार में होता है 2/3 भाग रेफेज, 1/3 भाग बाटा या 1/3 भाग रेफेज या 2/3 भाग बाटा या 1/2 भाग रफेज या 1/2 भाग बाटा या 1/4 भाग रफेज या 3/4 भाग बाटा। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। भैंस के संतुलित आहार की बात कर रहा है, तो संतुलित आहार के लिए 2/3 भाग रफेज और 1/3 भाग बाटा ये प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अजोला होता है, सेवाल होता है, फर्न होता है, वृक्ष होता है, झाड़ी होती है। तो अजोला क्या होता है, एक प्रकार का फर्न होता है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसका प्रयोग धान की खेत में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, निम्न में से गोवंश में कौन सी नस्ल शक्ति और श्रम के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर शक्ति और श्रम के लिए पूछ रहा है, कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है गाय की, साहिवाल, नागौरी, राठी या जर्सी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नागौरी।
और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली यहाँ पर साहीवाल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। रतौंधी संबंधित है, विटामिन से कौन से विटामिन से संबंधित है रतौंधी, ये आपको बताना है। विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी या विटामिन ए। तो रतौंधी बीमारी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से हो जाती है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, बछड़े बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है साधारण नमक, कास्टिक सोडा, फिटकरी या मीठा सोडा। तो कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बछड़े या बछड़ियाँ हैं उनको सींग हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान विकास बोर्ड स्थित है, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड जिसको NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर स्थित है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है, ऊँट की, घोड़ा की, गोवंश की या सुअर की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवंश की, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। सर्रा किस पशु की बीमारी है, सुअर, मुर्गी, ऊँट या कुत्ता। तो ये ऊँट की बीमारी है जो प्रोटोजोआ द्वारा होती है, सर्रा डिजीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। पशुओं में चिचड़ों के प्रयोग की रोकथाम के लिए प्रयोग से हो सकती है, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, चिचड़े जो पड़ते हैं पशुओं में, ठीक है, उनको दूर करने के लिए, मेलाथियान का, चूना का, चौक पाउडर या साधारण नमक। तो राइट आंसर हो जाएगा मेलाथियान के प्रयोग से चिचड़े सब छूट जाएंगे, ठीक है, किलनी, जुआ जो होते हैं पशुओं में, तो उनका उपचार है ये मेलाथियान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है, अमेरिका, नेपाल, डेनमार्क या भारत। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत, पूरे विश्व में नंबर एक स्थान पर बना हुआ है दुग्ध उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। निम्न में से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधी है, ठीक है, आपको बताना है किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधित है, विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ई जो है ये प्रजनन संबंधी विकारों को दूर करता है, ठीक है, विटामिन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, सिरोही किस पशु की नस्ल है, बकरी, घोड़ा, भेड़ या ऊँट। तो सिरोही एक काफ़ी फेमस नस्ल है, तो ये बकरी की नस्ल है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। नीली क्रांति इंगित करती है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, नीली क्रांति कुक्कुट पालन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण या मत्स्यकी। तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, भारत में शुष्क खेती की जोत है 70%, 60%, 50 या 40। तो भारत में जो शुष्क खेती की जोत है वो यहाँ पर हो जाएगी 60%, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है, गेहूँ, टिटरीकेल, चावल या बाजरा। बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, पहली मानव निर्मित फसल बताना है, तो यहाँ पर टिटरीकेल है, ठीक है, राई और गेहूँ इसका क्रॉस है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67। 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बीटी जीन कपास के पौधों में स्थानांतरण से उत्पादित कपास को कहते हैं, कार्बनिक कपास, अकार्बनिक कपास, ट्रांसजेनिक कपास या नॉन ट्रांसजेनिक कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ट्रांसजेनिक कपास, ठीक है, बीटी जीन कपास में पौधे में स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसजेनिक कपास का एक काम करता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीटी का पूरा नाम होता है बेसिलस थुरिजिनसिस, जीन होता है ये जो गुलाबी सूंडी होती है उसके रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, दूध उत्पादन, दलहन, फल, तिलहन। तो पीली क्रांति के बारे में कौन नहीं जानते, सब लोग जानते होंगे, पीली क्रांति का जो संबंध है तिलहन उत्पादन से, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व तो कौन सा है? तो भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ZN, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दीजिए। स्ट्राइगा का संबंध कौन सी फसल से है? मक्का, दलहन, ज्वार या आम? तो स्ट्राइगा का जो संबंध है वो है ज्वार से, ठीक है। ये प्रकार का विषैला पदार्थ होता है जो पशुओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, चने के आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी क्या होनी चाहिए? ठीक है, चने का अगर आधार बीज उत्पादन करना है तो पृथक्करण दूरी कितना रखते हैं? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर रखा जाता है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 72, मक्का के संकर बीज उत्पादन में नर और मादा पौधों का अनुपात कितना रखा जाता है? 2:4, 1:1, 3:3, 4:6? तो राइट आंसर हो जाएगा 2:4, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, साइसर काबुलिनियम में गुणसूत्र की संख्या क्या है? तो साइसर काबुलिनियम, काबुली जो चना होता है उसका गुणसूत्र संख्या आपको बताना है कितना होता है, तो 2N=16 होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, सूरजमुखी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये आपको बताना है, कंपोजिटी, मालवेसी, क्रूसीफेरी या लेग्यूमिनेसी? तो कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंपोजिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Cry1AC जीन कपास की फसल को किससे बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है? वॉलवर्म, मोयला, जेसिड या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वॉलवर्म होता है, पिंक वॉलवर्म जो होता है, इसके बचाव के लिए हम Cry1AC जीन का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76, त्रिफला बनाने हेतु कौन से फल काम में लिए जाते हैं? त्रिफला चूर्ण आप लोग जानते हैं, उसको बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग करते हैं? आम, अमरूद, आंवला या बैर? तो इसका आंवले का प्रयोग किया जाता है त्रिफला चूर्ण, ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, इलाहाबादी सफ़ेदा किस्म बताना किसकी है? अमरूद की, इमली की, आंवला की, बेल की? तो इलाहाबादी सफ़ेदा जो है ये अमरूद की किस्म है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, संतरे में फरवरी पुष्पन को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, संतरे में फरवरी जो पुष्पन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? हस्तबहार, मृग बहार, आंबे बहार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बहार 3 प्रकार के होते हैं, हस्तबहार, आंबे बहार, मृग बहार, ठीक है, तीनों में फ्लावरिंग यानी कि एक साल में 3 बार फूल लगते हैं, इसमें फल फूल लगते हैं, तो उसी को बहार कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंबे बहार, ठीक है, संतरे में जो फरवरी माह में पुष्पन लगते हैं उसको हम आंबे बहार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर है, आम की मल्लिका किस्म का क्रॉस बताना है किसके बीच में हुआ है? रत्ना क्रॉस अल्फांसो, नीलम क्रॉस अल्फांसो, दशहरी क्रॉस रत्ना या नीलम क्रॉस दशहरी? तो मल्लिका का जो क्रॉस है वो हो जाएगा यहाँ पर नीलम क्रॉस दशहरी, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80, पपीते के पौध दूरी बताना है कितने पर रोपाई करते हैं? 2x2 मीटर पर, 3x3 मीटर पर, 4x4 मीटर पर या 1x1 मीटर पर? तो पपीते के जो पौधे हैं उनको आपसी दूरी कितनी रखी जाती है? तो यहाँ पर 2x2 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, उत्तरी भारत में गुलाब की टी बडिंग के लिए उपयुक्त समय कौन सा? समय पूछा है टी बडिंग के लिए उत्तरी भारत में गुलाब का, दिसंबर से फरवरी, फरवरी से मार्च, जनवरी से फरवरी या अक्टूबर से नवंबर?
तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर के महीने में उत्तरी भारत में गुलाब की जो टी वेडिंग करते हैं ये सबसे उपयुक्त समय माना गया है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, पूसा नारंगी किस्म है, गार्डन पी, हजारा, संतरा या लाइनेरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हजारा की किस्म है पूसा नारंगी, याद रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पूनिका ग्रेनेटम का वैज्ञानिक नाम बताना, किस फल का वैज्ञानिक नाम पूनिका ग्रेनेटम है, आंवला का है, अनार का है, आम का है, पपीता का है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, अनार का वैज्ञानिक नाम होता है पूनिका ग्रेनेटम। क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों, मिर्च का बीज दर आपको बताना है, 2.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 3 से 3.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 3.5 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है, मूली की है, गाजर की है, फूल गोभी की है या पत्ता गोभी की है। तो प्राइड ऑफ इंडिया जो किस्म है ये हो जाएगी यहाँ पर पत्ता गोभी की किस्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, निम्न में से कौन सी डेयरी की एक नस्ल है, नस्ल नहीं है यहाँ पे, नहीं पूछा, सॉरी दोस्तों नहीं देखेंगे, नागौरी, गिर, जर्सी, होलस्टीन। यहाँ पर होलस्टीन जो है ये भी सबसे ज़्यादा दूध देती है, जर्सी की बात करें तो दूध और इसमें वसा प्रतिशत भी ठीक ठाक रहता है। गिर जो है ये भी दुधारू नस्ल है, ठीक है, साहिवाल, गिर, देवनी, ठीक है, ये सब जो नस्लें हैं दुधारू हैं। लेकिन यहाँ पर नागौरी जो नस्ल है ये हमारी एक प्रकार की भारवाही नस्ल है, ठीक है, एक प्रकार की भारवाही नस्ल है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पर, 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, भैंस की गर्भावधि काल बताना है, 210 दिन, 310 दिन, 260 या 360। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 310 दिन, यानी कि 307 से लेकर 310 दिन, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, निम्न में से कौन से संचार प्रक्रिया का तत्व है, संचार प्रक्रिया का तत्व बताना है इसमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्रोत, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे प्रौद्योगिकी की विधि या प्रौद्योगिकी के उत्पादन क्षमता, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी के उत्पादन क्षमता, याद रखेंगे सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पर, क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा संचार माध्यम पारस्परिक है, टेलीविजन, रेडियो, कठपुतली प्रदर्शन या इंटरनेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, कठपुतली जो है ये एक प्रकार का संचार माध्यम पारस्परिक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रसार शिक्षा की समूह संपर्क विधि है, ठीक है, समूह संपर्क विधि यहाँ पे पूछा है, प्रसार शिक्षा की कौन सी है, विधि प्रदर्शन, प्रक्षेत्र भ्रमण, गृह भ्रमण या टेलीविजन। तो राइट आंसर हो जाएगा विधि प्रदान, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, भारत में सामुदायिक विकास योजनाओं प्रारंभ किया गया, तो भारत में सामुदायिक विकास योजनाएं कब प्रारंभ की गई ये आपको बताना है, डेट और आपको सन दोनों ही याद होने चाहिए, 2 अक्टूबर 1955, 2 अक्टूबर 1954, 2 अक्टूबर 1953 या 2 अक्टूबर 1952। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सामुदायिक विकास योजनाएं, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93, भारत में टी एंड वी प्रणाली वर्ष
कौन से वर्ष से प्रारंभ की गई थी? 70 में, 72 में, 74 में या 68 में? तो इसकी भारत में टी एंड वी जो सिस्टम है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1974 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94। 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? कृषि, ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऋण प्रदान करना, कृषकों को ऋण देना, कृषि अनुसंधान या कृषि प्रसार? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। ठीक है, ये होता है नाबार्ड का कार्य। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, कौन से वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रारंभ किया गया? तो सन बताना है न्यूनतम समर्थन मूल्य कब प्रारंभ किया गया था? 1972, 1982, 1995, 1965। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो शुरुआत हुई थी 1965 से हुई थी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन का उचित मूल्य किसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है? उत्पादन का उचित मूल्य किसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है? तो यहाँ देखेंगे नियंत्रित बाजार या मंडी द्वारा, बिचौलियों द्वारा, थोक व्यापारी द्वारा या निजी संस्थाओं द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नियंत्रित बाजार और मंडियों द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। उत्पादन फलन का सूत्र क्या है? बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, उत्पादन फलन का सूत्र पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे वाई बराबर एफ ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा फार्म आय व्ययीकरण का प्रकार है? पूर्ण आय व्ययीकरण, आंशिक आय व्ययीकरण या उद्यम आय व्ययीकरण या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन, यानी कि सभी के सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। सहसंबंध गुणांक का अभिप्राय ज्ञात करने के लिए कौन से टेस्ट लागू किया जाता है? तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट लागू किया जाता है, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टी टेस्ट यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है खेत में मक्का के पौधों की सिंचाई का औसत ज्ञात करने के लिए कौन से औसत लागू होता है? तो खेत में मक्का के पौधों की ऊंचाई का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा औसत लागू होता है ये आपको बताना है। ज्यामितीय औसत या अंकगणितीय औसत या हरात्मक औसत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, अंकगणितीय औसत। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। कल हम वीडियो लेके आएंगे एग्रीकल्चर टीजीटी पीजीटी के जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। 2000 से जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो एक बार आप लोग रिविज़न कर लेंगे उसको तो पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।